सर काइंडली चेक करें। नहीं, अदील वाली आईडी को बनाए, ADEE अदील लिखा हो कैपिटल, उसको स्क्रीन शेयरिंग बनाए। ओके सर अब चेक करें। जी ठीक है। ओके सर लेक्चर नंबर 6 Amazon Virtual Assistant by सर अदील स्टार्ट हो चुका है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज हमारा सेशन नंबर 6 है और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस मेथड को मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा मेथड है प्रोडक्ट हंटिंग करने का। इसके अलावा इससे अच्छा मेथड आज तक मुझे नहीं मिला कभी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल सर्च बोलते हैं, या सेलर स्कैनिंग, मतलब कि सेलर के अंदर से प्रोडक्ट निकालना, स्टोर में से प्रोडक्ट्स निकालना, या मैनुअल हंटिंग जिसे बोलते हैं, मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च, दोनों में से कोई भी नाम आप बोल सकते। वैसे इसका असल नाम जो है सेलर स्कैनिंग मेथड हमारे पास, ठीक है। अब करना क्या होता है इसके अंदर, इस मेथड में हमने, इसमें हम शुरू में तो विदाउट टूल्स काम करते हैं, उसके बाद हमें टूल की जरूरत पड़ती है, वो होता है कीपा टूल। कीपा ही वाइड टूल है जो आपको प्रोडक्ट्स निकालने में मदद फराहम कर रहा होता है। अच्छा, पहले हम करते हैं मैनुअल। मैनुअल कैसे करनी है, पहले आपने अमेजोन की वेबसाइट खोलनी है, बेस्ट सेलर पे क्लिक करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, वहाँ बहुत सारी प्रोडक्ट्स आएंगी, उनके प्रोडक्ट्स खोलने हैं, उनके अंदर से FBA स्टोर निकालने हैं। FBA स्टोर का मतलब ये होता है कि जो अमेजोन होलसेल पे काम कर रही हूँ, ठीक है, वो निकालने हैं। अच्छा, उसके बाद आपने उनको एक्सेल शीट में तमाम डिटेल्स उनकी डाल देनी है, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट हम बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा ये वाला काम पहले कर लें। अब मैं आपके सामने एक लाइव करके दिखाता हूँ आपको। मैं ये हम amazon.com की वेबसाइट पर आए और ये लिखा हुआ है बेस्ट सेलर, तो आप बेस्ट सेलर पे क्लिक कर दें। ये हर मार्केट के लिए सेम मेथड है, US की है, UK की है, कनाडा, जो भी मार्केट है सबके लिए सेम मेथड है ये। आप बेस्ट सेलर में आएंगे और यहाँ पर आप आने के बाद कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, मैंने सिलेक्ट कर ली होम एंड किचन, सिंपल कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट, ऐसी कोई प्रोडक्ट खोल लूंगा मैं जिसके सेलर ज्यादा होंगे, आप सब फर्ज करें मैंने ये प्रोडक्ट खोल लिया, एक मैंने ये खोल लिया, एक मैंने दो तीन प्रोडक्ट मैंने खोल लिया, ऐसी फर्जी तौर पर मैंने प्रोडक्ट खोले। अच्छा, पहला प्रोडक्ट हमारा ओपन हो रहा है। अब ये प्रोडक्ट आया, अब इस प्रोडक्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमने क्या करना, नीचे आना है और चेक करना है इसको कौन बंदा बेच रहा है। अब यहाँ लिखा हुआ है साइट पर शिप फ्रॉम Best32 और ये FBM का बंदा है, ये FBM का बंदा बेच रहा है। अब हमें चेक करना है इसके कितने बंदे बेच रहे हैं, इसको न्यू नाइन बंदे, इसको नाइन सेलर सेल कर रहे हैं। हम इस एरो पर क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कौन कौन से नाइन बंदे सेल कर रहे हैं। इसमें पहला भी FBM, 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 ये सारे FBM, ठीक है, सारे FBM के बंदे हैं। तो मतलब ये हमारा प्रोडक्ट काम का नहीं है, इसमें सारे ही FBM के बंदे आ गए, तो हमारे काम का ये प्रोडक्ट नहीं। अब दूसरा प्रोडक्ट चेक कर लेते, ये हमने खोला हुआ था आपके सामने, तो इसको हम चेक करते हैं। तो इसको जो सेल शिप और सोल्ड कर रहा है वो अमेज़न कर रहा है, इसमें 6 बंदे बैठे हुए हैं। अब हम चेक करते हैं कौन कौन से बंदे बैठे हुए, इसमें ये बंदा जो है होलसेल का है, नंबर 1 पे जो आ रहा है, ये FBM, 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 बाकी सारे FBM के, इसमें एक ही बंदा आ रहा है, इसका फायदा नहीं है। कम से कम 3-4 बंदे आए ना तो आपको खोलने में आसानी होगी प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना, स्टोर्स को। अब कोई और प्रोडक्ट निकाल लेते हम लोग, फर्स्ट कर हमने ये प्रोडक्ट निकाल लिया, मैं एक दो स्टोर्स और खोल लेता हूँ। एक मैंने ये निकाल लिया,
kindly screen sharing allow कर दें. ठीक है, हमने यहाँ पर दो तीन स्टोर खोले और ये प्रोडक्ट्स निकाल लिए बैठ के हमने. ठीक है, दो तीन प्रोडक्ट्स हमने खोल लिए, एक ये मैंने खोला, एक मैंने ये खोला और एक मैंने ये खोला. अब तीनों में मैंने जाना है बारी बारी और यहां से मैंने एफबीए के बंदे निकालने. इसमें 16 सेलर्स बैठे हुए हैं तो मैंने न्यू पे क्लिक किया. अब ये एक बंदा आ रहा है अमेजोन होलसेल का, एक बंदा आ रहा है ये वार्मिंग स्टोर का बंदा आ रहा है. अच्छा, उसके बाद इसमें एफबीएम के बंदे भी आ रहे हैं. ये देखिए, ज्यादा एफबीएम के बंदे आ रहे हैं, एफबीए के बंदे बड़े कम है. ठीक है, तो ये थोड़ा देखना है अपने काम को, ये प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं है क्योंकि इसमें सारे ही एक एफबीए है, बाकी एफबीएम है. हाँ, ये कुछ आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है ये वाला. इसमें 10 बंदे हैं. अब मैं ये खोल कर दिखाता हूँ आपको, ये प्रोडक्ट में थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे. अच्छा, इसमें अब हम देख लेते हैं. हाँ, ये देखें, इसमें ये एक बंदा आ रहा है ये होलसेल का रिसोर्स टीम के नाम से. एक ये दो हो गए, तकरीबन इसमें 5-6 बंदे आ रहे हैं. ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक स्टोर हम खोलते हैं जहां लिखा हुआ सोल्ड बाय रिसोर्स टीम. अब रिसोर्स टीम पर आपने क्लिक करना है, एफबीए बंदे यहाँ क्लिक करना है, इसका स्टोर खुल जाएगा. जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका क्या खुल जाएगा, स्टोर फ्रंट खुल जाएगा. ये जो खुला है इसको बोलते हैं स्टोर फ्रंट, ये अपने बार नोट कर लें. जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं, जो चीज खुल गया हमारे सामने आती है इसको बोलते हैं स्टोर फ्रंट. सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, ये निशानी जरा नोट कर लें, फाइल में लिखा हुआ है. ये रेटिंग जो है, ये रेटिंग आ रही, ये पूरी लाइन लिखी हुई है, ये 100% लिखा हुआ है. ये 80 से कम नहीं होती, 100 लिखा हुआ है, 80 से कम ना हो, 80 से ऊपर हो जाए, 90 हो जाए, 95, 100 हो जाए, 80 से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 80. ये नोट कर ले अपने पास बात सारी, क्योंकि इसके बारे में मैंने बाद में नहीं बताना आपको बिल्कुल भी. ये चेक कर लिया, एक चीज ये चेक करनी, अगली चीज क्या चेक, नीचे आपने आना है, यहाँ लिखा हुआ है सी ऑल प्रोडक्ट्स, सी ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है. अब ये बता रहा है कि इसके पास भी एक ही प्रोडक्ट है. अब यहां पर आके ये मार्क खा गया, क्योंकि हमें एक प्रोडक्ट पे हम काम नहीं करते, हमें चाहिए ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए हमें. यहाँ पर ये बता रहा है इसकी भाई एक ही प्रोडक्ट है भाई. ठीक है, तो फिर हम स्टोर पे काम नहीं करते, कम से कम 50-100 प्रोडक्ट तो होने चाहिए आपके पास. ठीक है ना, इसलिए फिर आप इस प्रोडक्ट पे काम नहीं करते, आप कोई और स्टोर खोल लें. एक ये स्टोर भी आ रहा है, ये भी खोल लें. इसके अलावा एक स्टोर नीचे एक ये भी आ रहा है, ये भी खोल लें. दो स्टोर हमने और खोल ली. अब इसने भी रेटिंग चेक की, रेटिंग ठीक है. अब मसला कहां आता है, प्रोडक्ट्स का मसला आता है, प्रोडक्ट नहीं मिलते आपको, ब्रांड नहीं मिलते आपको. ठीक है, अब इसको हमने खोला, इसमें भी एक ही प्रोडक्ट आ रहा है, फायदा ही नहीं है इसके अंदर. ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं, ये हमने खोला हुआ एक, रेटिंग सबकी अच्छी है, 80 से कम किसी की भी नहीं, मगर प्रोडक्ट्स कम है इसलिए हम इस पर काम ही नहीं करेंगे. इसमें भी एक आ रहा है. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं है, तो इसको आप बेशक स्किप कर दें. अगला आ गए, अब यहां पर हमारे ये प्रोडक्ट खोला, ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम घंटा लगेगा, प्रोडक्ट स्टोर मिल जाएंगे आपको. अब यहां आप चेक करते हुए जाए, ये आ रहा है स्टोर हमारे पास एफबीए का, ये खोल लें और चेक कर लें. एक ये आ रहा है, ये खोल लें. इस तरह आपने स्टोर खोल लेने जो भी आपके पास आ रहे हैं. ठीक है, एक ये स्टोर आ रहा है, अब इसकी रेटिंग कितनी है, 91%. ठीक है भाई, अच्छी है. अब इसके प्रोडक्ट्स चेक करते हैं, प्रोडक्ट्स कितने आ रहे हैं इसके पास. हाँ, इसके थोड़े बहुत हैं प्रोडक्ट्स, चल जाएगा काम, तो बड़ा मसला नहीं, एक दो प्रोडक्ट से काम नहीं चलता, 50 हो 30 हो चल जाता है. अब इसके पास है 32 प्रोडक्ट्स, ये काम चल जाए, इसका कोई मसला नहीं इतना बड़ा. अब इसके ब्रांड चेक कर लें, कितने ब्रांड ये गिन लें बैठ के, आप कितने आ रहे हैं, 5 से ऊपर आने, ब्रांड 5 से कम नहीं होने चाहिए. दूसरी चीज जो हम चेक करते हैं, ब्रांड्स चेक करते हैं, ब्रांड 5 से कम, प्रोडक्ट्स 20 हो 30 हो 40 हो जितने भी हो, मतलब 30 से कम ना हो, 20 से कम नहीं हो, बस चल जाते हैं काम, मसला कोई नहीं इसके. ठीक है, ये आपने चेक कर लिया. अब ये काम का हमारा स्टोर, क्योंकि इसके अंदर हमने एक चीज नोट की कि इसमें एक तो ब्रांड भी ज्यादा आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स भी नॉर्मल है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है. अब इसकी हमने लिंक कॉपी करना है. अब लिंक कैसे कॉपी करते हैं, हम बैक जाएंगे, अब ऊपर जाएंगे टॉप पर, ये देखिए ये इसका लिंक आ रहा है. स्टोर जब खुलता है ना, स्टोर का नाम है सेमी शॉप, सेमी शॉप लिखा हुआ है. ठीक है,
तो ये आपका लिंक है, ये ऊपर टॉप पे जो आ रही है, अगर आपको आ रही है वाला लिंक, ये लिंक है, ये आपने कॉपी करना है। अब मैं आपको एक शीट दूंगा, ये वाली शीट, इसमें आप अपना नाम डालना है, यहाँ आपका नाम आएगा, ठीक है, और यहाँ मार्केट आपने डालनी है, मार्केट कौन सी है भाई, आपकी है यूएस की मार्केट है, और यहाँ स्टोर का लिंक डाल देना आप, ठीक है, ये डाल देना। अच्छा, इस रिमार्क्स वाले कॉलम की जगह हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे सेलर आईडी, एक कॉलम मैंने इसमें ऐड कर दी। अब सेलर आईडी में क्या डालना होता है, जो सेलर की आईडी, अब आईडी क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ, जब ये आप स्टोर खोलते हैं ना, ये वाला, ये आपने स्टोर खोला हुआ है, जहां इसका लिंक आपने कॉपी किया, इधर ही देखिए जरा, ये यहां से जरा गौर करें, जूम करें सारे बैठ के खुद ही अपने मोबाइल से, ये आईडी होती है ये वाली आपकी, ये सेलर, यहाँ लिखा UTF8 एंड सेलर इक्वल, ए से शुरू होती है आईडी, सेलर आईडी का मतलब स्टोर की आईडी क्या है, इस स्टोर आईडी से हम प्रोडक्ट निकालते हैं हमेशा, हर स्टोर की अपनी आईडी होती है, अपना नाम होता है, ठीक है, अपनी रेटिंग होती है, तो ये इसकी आईडी है, यहां पर लिखी होती है ए से लेकर यहां तक, ये कहां आती है, जहां स्टोर आप खोलते हो, ऊपर लिंक जो आ रहा होता है यहीं पर सेलर के आगे लिखी हुई होती है, तो ये आप कॉपी कर लें और शीट पे जाएं और यहां जाके पेस्ट कर लें, ठीक है, तो ये आपकी आईडी भी आ गई, लिंक भी आ गया, मार्केट भी आ गई, ये आपका सारा काम सीधा हो गया, ठीक है। तो अब आप इजी वे में इसको काम कर सकते हैं, समझ आ गई बात। तो इस तरीके से हमने एक स्टोर हमने डाला आपके सामने, इस तरह से आपने 5 यूएस के स्टोर डालने, 5 कितने, 5 आपने डालने हैं यूएस के स्टोर और 5 आपने डालने हैं यूके के स्टोर डालने हैं, इसी तरह चेक करके रेटिंग को मैच करके सारे काम आपने इस तरीके। अब यूके के स्टोर कैसे निकालते हैं वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ, यूएस का निकालना आपको आ गया होगा, समझ आ गई कैसे स्टोर निकालना है भाई, सबको यहां तक क्लियर हो गया कि यूएस का कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो करने लगे हैं, वो स्टेप हमारे पास क्या है, वो स्टेप है हमारे पास यूके का। अब यूके का आपने क्या करना है, यूके मार्केट में जाना है आपने, amazon.co.uk, ये आपने मार्केट खोली है अमेजोन की .co.uk। अच्छा, इसका एड्रेस आप सही कर लें, मेरा ठीक नहीं सब यहाँ पर, मैंने पोस्टल कोड डाल दिया इसका, मुझे याद था मुझे, ठीक है। अब मैंने कोई काम, स्टेप वही है, बेस्ट सेलर में जाऊंगा, स्टेप्स वही दोहराने हैं आपने वाले, कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, किचन की, टूल्स की, कोई भी सिलेक्ट कर लें, किचन की सिलेक्ट कर लेते फिलहाल, एक ही में काम करते हैं, तो यहां से हम कोई प्रोडक्ट भी ओपन कर लेते हैं, ये वाला खोल लें प्रोडक्ट, फिलहाल ये एक प्रोडक्ट हम खोलते हैं और चेक करते हैं, ये प्रोडक्ट खुला। अब इसकी लिस्टिंग जरा गौर से देखें आप, जरा शायद इस तरह की लिस्टिंग आपके सामने पहले नहीं आई हो कभी, जरा गौर करें इसकी स्क्रीन के ऊपर, जूम करें, ये प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, इसके सामने कोई इस तरह का बॉक्स नहीं आ रहा, जब हम आम लिस्टिंग खोलते हैं ना कोई, मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूँ, जब हम एक आम लिस्टिंग खोलते हैं ना, आम, जैसे फर्ज कर ये प्रोडक्ट खोला, अब इस लिस्टिंग में उस लिस्टिंग में बड़ा फर्क है, देखिए जरा गौर से इसकी लिस्टिंग देखिए आप, ये देखिए ये लिस्टिंग ऐसे आ रही है, ठीक है। अब यहां पर कोई भी इस तरह का बॉक्स नहीं आ रहा, यहां देखिए बॉक्स आ रहा है वाला, यहां पर बता रहे कि भाई कौन बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा, कितने बंदे बैठे हुए, New 13। अब इस लिस्टिंग में ऐसा नहीं, यहां देखिए कहीं लिखा हुआ New 13, कहीं नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये जो लिस्टिंग आपके सामने खुली है ना ब्रेवल ब्रांड की, ये इसको बोलते हैं सप्रेस्ड बाय बॉक्स। सप्रेस्ड का मतलब इस प्रोडक्ट पर किसी बंदे को बाय बॉक्स नहीं मिला, बाय बॉक्स एक ऑफर होती है जो अमेज़न की तरफ से मिलती है, वो किसी को भी नहीं मिली, ठीक है। तो ये होती है सप्रेस्ड बाय बॉक्स लिस्टिंग, जिस पर आपको यहाँ पर एक बॉक्स नजर नहीं आता, जहां पर प्राइस या कौन बेच रहा है, कितने बंदे नजर नहीं आते। अब हमें चेक कैसे करने बंदे कितने बैठे हुए, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर सी ऑल बाइंग ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे
तो अभी आपके सामने देखें बंदे आ गए, ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया हूं, आप छुपे हुए होते हैं, निकालने पड़ते हैं इसको। अब ये सारे जितने भी आ रहे हैं FBM के बंदे आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमारे काम का ही नहीं है। अब अगला प्रोडक्ट मैंने ये वाला खोला, इसमें 13 बंदे बैठे, इसको चेक कर लेते हैं। अब FBA के बंदे ढूंढने, FBA होलसेल। अब ये एक बंदा आ रहा है क्लिक बड़ी लिमिटेड के नाम से, ये आ रहा है, इसको खोल के चेक करते हैं। एक और आ रहा है ट्रस्ट एंड शॉप के नाम से, इसको चेक करते हैं। तो ये हमारे पास एक आ गया बंदा भी, इसकी रेटिंग 100% आ रही, ठीक है, बुरी नहीं है। अच्छा, अब नीचे आके इसकी प्रोडक्ट्स चेक करने हैं, हमने सी ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया। हाँ, इसके भी तकरीबन कोई 20 प्रोडक्ट आ रहे हैं, चलें कोई नहीं, चल जाएगा, इतना मसला नहीं है, 20 इसमें आ रहे हैं, ठीक है। ये इसके ब्रांड भी ठीक है, गुजारा कर जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है, चल जाता है, क्योंकि होलसेल में प्रोडक्ट्स कम ही होते हैं। होलसेल में हजारों में प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, 100 में मिलते हैं, 100, 50, 100, 200 ऐसे मिलते हैं आपको, ठीक है। अगला स्टोर चेक कर लें, ये वाला, इसकी रेटिंग 94% आ रही ट्रस्ट एंड शॉप की। इसके प्रोडक्ट्स भी चेक कर लें, ब्रांड चेक कर लें, इसके तो है ही कम ना, इस पे तो काम नहीं करना आपको, ठीक है। ये वाला फिर भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें 20 प्रोडक्ट आ रहे हैं और इसके अलावा ब्रांड्स 5 से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसका लिंक डालना है। अब लिंक वैसी तरीके से डालना है हमने, हम बैक करेंगे यहाँ से, स्टेप्स वही है हमारे, स्टेप को चेंज नहीं करना, स्टेप मैंने बताया है, वीडियो को बार बार देखिए, समझ आपको आ जाएगा। ये लिंक सबसे ऊपर टॉप पे आ गए, ये वाला लिंक, ठीक है, ये लिंक मैंने दिखाया आपको, ये लिंक है आपका। इस लिंक को आपने कॉपी करना है और शीट में जाना है, यूके जहां से शुरू हो रहा आपका, ये अपना नाम डालना है आपने, डाल दिया, अच्छा, उसके बाद यहाँ लिंक डाल देना है आपने, उसके बाद सेलर आईडी यहाँ डालनी है। अब आईडी हमारे पास जो है, इसकी चेक कर लेते हैं आईडी क्या आ रही है, आईडी हम देखते हैं, ये इसकी देखें, ये आईडी आ रही है, ये इसकी आईडी यहाँ तक, ठीक है, ये आईडी आपने कॉपी की और आपने यहाँ जाके शीट में जाके पेस्ट कर दी, यहाँ ठीक हो गया, बात क्लियर होगी। इस तरीके से आपने ये दोनों काम कर लेंगे, 5 यूएस के स्टोर्स, 5 यूके के स्टोर्स, और दोनों की आईडी से डाल देंगे। अब आईडी के बाद अगला काम क्या करना है, अब आईडी के बाद जो अगला काम है वो है प्रोडक्ट हंटिंग। अब इसके अंदर से हमने प्रोडक्ट्स निकालने, स्टोर्स के अंदर से प्रोडक्ट या ब्रांड निकालने हम लोग, ठीक है। अब वो कैसे निकालते हैं, अब आपने करना क्या है, अब आसान तरीका है हमारे पास, मैनुअली काम नहीं करना हमने। अब ये आईडी हमारे पास, ये यूएस की आईडी है, ये हमने आईडी कॉपी करनी है, हमने गूगल पे जाना है और एक वेबसाइट है कीपा, जो मैंने बताया कीपा टूल जो होता है keepa.com, एक स्टोर से एक प्रोडक्ट मिल गया, बहुत बड़ी बात है। लॉगिन पे क्लिक करना है आपने, ठीक है, ऊपर से मार्केट सिलेक्ट कर लें, आप यूएस सिलेक्ट कर लें, .com सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, डाटा में जाना है, डाटा में गए, प्रोडक्ट फाइंडर में गए, अब थोड़ा सा आप नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आते रहे आते रहे। अब यहाँ पर आईडी डालिए, आईडी आपने कॉपी की थी ना एक्सेल शीट में से, वो आईडी आपने यहाँ पुट करनी है, कहाँ पुट करनी दिखाता हूं मैं आपको, ये जहां पर ये लिखा होता है बाय बॉक्स सेलर, यानी क्या सेलर, ये लिखा हुआ सेलर, तो यहां आपने आईडी डाल देनी, ये आईडी आपने डाल दी। अब ये दिखा रहा है इसके पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, 19 प्रोडक्ट हैं। अब इसमें एक फिल्टर लगाना है, आईडी डालने के बाद अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कर देना आपने, क्या करना है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, नंबर 2 पे आपने आना है, ये देखें ऊपर आया आप, अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक कर दिए। अब सिर्फ 16 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, अब आप फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दें। अब ये 16 प्रोडक्ट्स में अमेजोन नहीं बैठा हुआ, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, आप ब्रांड पे यहाँ क्लिक करें तो ये सीक्वेंस से दिखाएगा आपको, ये सारे ब्रांड दिखा रहा है, ठीक है, कैटेगरीज भी दिखा रहा है। अब यहां से आपने प्रोडक्ट निकालना है अपने स्टोर के लिए आप, मगर इसमें ज्यादा कैटेगरीज वो वाली आ रही है जो हमारे पास इसकी परमिशन नहीं हमारे बेचने की हमारे पास, ठीक है ना। अब एक ये प्रोडक्ट आ रहा है, उसकी प्राइस बहुत हाई है, क्योंकि ऐसे आपने चेक करना है, प्राइस भी चेक करनी है, कैटेगरी भी चेक करनी है,
प्रोडक्ट को खोलना है तो खोल के आप चेक कर सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट खोल के, अब इसमें जो कैटेगरीज आ रही है वो हमारे काम की नहीं, क्योंकि हम इन कैटेगरीज पे काम नहीं कर सकते, हमारा परमिशन नहीं है, ठीक है ना। अब लास्ट में एक प्रोडक्ट आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं, हाँ ये हमारे काम का हो सकता है, इसको मैं खोल लेता हूँ। अब मैंने लास्ट वाला एक प्रोडक्ट था जो मेरे काम का था, ये मैंने खोल लिया, हाँ ये हमारे काम का, इसका कोई इशू नहीं है, इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है मगर चल जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या देखना है इस प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट खुल गया, अब आपने चेक ये करना है इसमें कितने बंदे FBA के हैं, Amazon है या नहीं, दो चीजें चेक करनी है। आप नीचे आप आएंगे, अब ये इसको कौन बेच रहा है, इसको FBA का बंदा बेच रहा है, ये बात तो क्लियर हो गई आपकी, ओके हो गया। 8 बंदे बेच रहे हैं, 80% सेलिंग। अब एरो पे क्लिक किया आपने, अब आप चेक कर लेंगे कौन कौन से बंदे हैं, कितने FBA के हैं, पहला बंदा FBA का है, अच्छा जी, दूसरा FBM, तीसरा FBM, चौथा FBM, पांचवा FBA का है, छठा हमारे पास आ रहा है इसके अंदर ये FBM, मतलब दो बंदे FBA के इसमें आ रहे हैं। जो मेरी शर्त थी ना वो यही थी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा क्राइटेरिया था वो ये क्राइटेरिया, देखिए हमारे पास ये देखिए, सेलर 20 से ज्यादा नहीं होंगे, वेरिएशन नहीं होगी, प्राइस चले चल जाएगी, 10 भी चल जाएगी, मसला नहीं है, आप 10 भी अमेजोन नहीं होगा, FBA के बंदे दो होंगे, क्या लिखा भाई, FBA के बंदे दो होंगे, और जिसका ब्रांड है वो खुद सेल नहीं कर रहा होगा, और बाय बॉक्स रोटेट करेगा। अभी हम इसका बाय बॉक्स भी चेक करते हैं, बाय बॉक्स रह गया है और ब्रांड रह गया, बाकी शर्तें हमारी सारी पूरी हो गई है। अब प्रोडक्ट पे वापस आए हम लोग, ब्रांड का नाम है जेप स्टोर, क्या लिखा हुआ है, जेप स्टोर, ये ब्रांड नेम, इसका मतलब ब्रांड नेम जेप स्टोर। अब सेलर जितने भी यहां पर आ रहे हैं, इसमें कहीं भी जेप स्टोर नहीं आया लिखा हुआ, अब हम देख लेते हैं यहां पर, जेप स्टोर कहीं भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब इसको हम बेच सकते हैं। अब कीपा के ग्राफ पे आ गया हम, मैं आपको बाय बॉक्स चेक करवा देता हूँ कि बाय बॉक्स को कैसे चेक करते हैं वो। हम कीपा के ग्राफ पे आए, अब हमने प्रोडक्ट हमने फाइनल करनी है हमने, अच्छा कीपा के ग्राफ पे आने के बाद अब आपने ये देखना है, अब देखिए इस प्रोडक्ट पे अमेजोन नहीं, मैंने बताया यहाँ अमेजोन ही लिखा हुआ आ रहा, आपने डाटा पे आना है, बाय बॉक्स स्टैट्स पे आना है, डाटा पे आने के बाद बाय बॉक्स स्टैट्स पे आना है, यहां आपने चेक करना है, थोड़ा वेट करना है, खुल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए बाय बॉक्स खुल गया, अब बाय बॉक्स में 40% 30% 12% 7 मतलब कुछ ना कुछ रोटेट हो रहा है, मतलब कि 40 है 30 है, चल रहा है, हम चल रहे हैं। अच्छा अब कौन कौन से बंदे हैं, FBA का एक बंदा है, FBM, 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 FBA दोनों बंदों को मिला हुआ है, तो दो बंदे FBA के बैठे, सबको बाय बॉक्स मिला हुआ है, बाकी को नहीं मिला हुआ, ठीक है। अच्छा आगे आ जाए, अब हम चेक करते हैं लास्ट किसके पास बाय बॉक्स है, इस बंदे के पास बाय बॉक्स है, ये जो बैठा हुआ है नंबर 4 पे, ABC नेट LLC, ये जो है मेरे ख्याल में बंदा FBM का बंदा है ये, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, प्राइस थोड़ी सी कम है इसकी, 6.65 कम है, मगर चल जाएगा प्रोडक्ट, तो बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है और ब्रांड नॉट सेलिंग है, तो हमारी शर्तें बिल्कुल पूरी होती है और इस क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट निकल जाता है। प्राइस हम यहाँ 10 भी कर सकते हैं, 10 वाले प्रोडक्ट को भी आप ले सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हम ये जब स्टोर से प्रोडक्ट निकालते हैं ना तो मिनिमम प्राइस 10 भी चल जाती है आपके पास, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया जब आप ID डालने के बाद चेक करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये टूल्स इस्तेमाल होते हैं, फ्री टूल्स जो होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्राइटेरिया है, आपको फाइल मिल जाएगी, इसके मुताबिक आपने काम करना है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट आप फाइनल करेंगे उस प्रोडक्ट की तमाम डिटेल्स, मतलब के जो प्रोडक्ट भी आपने फाइनल किया है उसकी तमाम डिटेल्स आपने एक्सेल शीट में डाल, कैसे डालनी है भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी शीट में एक और शीट नीचे मैंने दी हुई वर्कशीट प्रोडक्ट हंटिंग की, ये देखिए यहां आपका नाम आएगा, मार्केट प्लेस US, यहां आइसन ब्रांड कैटेगरी डालनी। अब आइसन देख लें, इसका आइसन क्या आ रहा है, आइसन देखिए ये आ रहा है इसका, ये इसका आइसन है प्रोडक्ट, ये आपने कॉपी किया और ये जाके यहां डाल दिया,
इसका ब्रांड डालना है, आपने ब्रांड चेक करने में ब्रांड क्या आ रहा है, ब्रांड इसका ZEP, ZEP के नाम से ZEP, 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 असल नाम इसका ZEP होता है, स्टोर नहीं, ZEP, ZEP, कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी चेक कर लेते हैं भाई, कैटेगरी आ रही है हमारे पास यहाँ पर हेल्थ एंड हाउस होल्ड की भी है, मगर हम नीचे जाके चेक करते हैं इसकी कैटेगरी जो इन्फॉर्मेशन में आती है हमारे पास, जो रियल कैटेगरी चेक करनी यहाँ से चेक करनी है, आप यहाँ चेक करना है, असल कैटेगरी इसकी ये वाली है इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ये इसकी असल कैटेगरी है, इस पे आप काम कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि ये वो है अनलिमिटेड कैटेगरी है, ये आपने कैटेगरी डाल दी यहाँ पर। उसके बाद प्राइस इसकी थी 11.35, टोटल सेलर्स इस पे बैठे हुए थे 8, एफबीए के बंदे थे 2, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने डाल देनी है, ठीक है। करंट बीएसआर और ये बीएसआर कहाँ चेक करना है आपने, ये करंट बीएसआर तो आपको यहाँ मिल जाता है, मतलब कि ये बीएसआर ये लिखा करंट यहाँ नीचे लिखा होता है 23,442 करंट तो आपको मिल जाएगा। अब 90 डेज बीएसआर के लिए कीपा लाजमी है, उसके बगैर आपको नहीं मिलेगा। अब 90 डेज बीएसआर आता ही कीपा में है, और कीपा जो है मैंने बताया कि पेड टूल है और ये फ्री टूल नहीं है, फ्री टूल में कभी भी 90 डेज का बीएसआर नहीं आएगा। तो ये चेक कहाँ करते हैं हम लोग, ये यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल में जाते हैं, डाटा में जाके, तो ये देखें 90 डेज बी सही आ रहा है 27,667, ये लिख देना आप, ठीक है। अब अमेजोन नहीं है इस प्रोडक्ट में, नो डाल देना आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए रिव्यू और रेटिंग। अब रिव्यू आप देख लें प्रोडक्ट की कितने आ रहे हैं, रिव्यू में चेक करने तो हम ऊपर से चेक कर लेंगे, यहाँ पर रिव्यू इसके आ रहे हैं 104 और रेटिंग इसकी ये रही 4.5, ठीक है, ये आपने डाल देंगे 104 और 4.5। अब फिलहाल हीलियम में एक मसला आया हुआ है जिससे आपका रेवेन्यू और सेल नहीं निकल सकता। अब मैं चेक करवाता हूँ आपको, हीलियम में अपडेट हुई कुछ, अब आप मंथली सेल्स ही निकाल पाएंगे, रेवेन्यू और सेल्स फ्री में नहीं निकाल पाएंगे, पहले था आप सही नहीं है। तो एक्सरे पे क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब ये नहीं दिखा रहा, मैंने आपसे कल भी चेक किया, आज भी चेक किया है, सेल्स नहीं दिखा रहा आपको ये, ना रेवेन्यू दिखा रहा, ये देख लें सेल्स के खाने में इसने वो लॉक लगा दी है, मतलब फ्री में नहीं दिखाएगा बिल्कुल ये, ठीक है ना। तो ये मसला इसमें अब आ रहा है, इसमें कुछ चीजें इसने छुपा दी है, ठीक है ना, तो ये मसला इसके अंदर आ रहा है। फिलहाल आप इस कॉलम को रिजेक्ट कर दें, मतलब ये जो कॉलम शीट में है मेरे पास, ये जो कॉलम मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल इसकी हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई टूल नहीं है इस तरह का, ये कॉलम भी डिलीट कर दें, ठीक है। आपने यहाँ तक कॉलम कंप्लीट करने, रेटिंग रिव्यू ये सारी चीजें प्रोडक्ट्स की डाल के लेके आनी है आपने, कम से कम कोशिश करें, आपके पास 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, एतवार है तो मंगल बुध तक टाइम आपके पास, 5 यूएस के प्रोडक्ट्स निकालें, 5 मिनिमम, ठीक है, और 5 यूके के निकालें, हर स्टोर में से एक प्रोडक्ट निकाल, हर स्टोर में से कोशिश करें, 5 स्टोर हैं तो 5 प्रोडक्ट्स निकालें आप, ठीक है, कोशिश करें यूएस की भी और यूके की भी आप। तो ये सारी चीजें आपने निकालनी है, स्टोर के अंदर से स्कैन करके निकालनी है आपने, ताकि आपको काम करने का आइडिया हो सके, समझ आ गई बात। ये सारा काम आपने इस तरह करना है, इस तरह बना के लाने, पूरी शीट मुकम्मल करनी है, पहले ये वाली करनी है, पहले स्टोर्स निकालने हैं, उनकी आईडी डालनी है, फिर दूसरे स्टोर्स के अंदर फिर प्रोडक्ट्स निकालने हैं, 5 यूएस के, 5 यूके के, ठीक हो गया, बात क्लियर होगी भाई। कोई सवाल है आने से सवाल कर लें। कीपा का ये फायदा होता है कि कीपा, जब आप कीपा पे काम करते हैं ना, तो काफी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके सामने आती है, मतलब कीपा पे हमारे पास जो फायदा होता है, हमारे पास तमाम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन निकल जाती है। कीपा एक बड़ा ही जबरदस्त हमारे पास प्रोडक्ट है, एक जबरदस्त टूल है, बहुत जबरदस्त टूल है हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट मैंने ये भी खोली है, अब ये प्रोडक्ट चेक कर लें कैसी प्रोडक्ट है, इसको भी चेक करते हैं थोड़ा सा, उसी स्टोर की प्रोडक्ट है, इसकी $16 प्राइस है इसकी। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, जहां ये लिखा है विजिट द विंडेक्स स्टोर, अगर स्टोर के आगे ट्रायंगल का निशान यहाँ आ जाए, ट्रायंगल का निशान येलो रंग का, ट्रायंगल ट्रायंगल है येलो रंग का आ जाए, समझ जाए उस ब्रांड पे कंप्लेन है, उस पे आपने काम नहीं करना, ठीक है। और अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए उस पे आप काम कर सकते हैं,
अब इसको भी हम चेक करते हैं, इसको कितने 25 बंदे भेज रहे हैं। अब 25 बंदों में से कौन कौन से बंदे हैं इसमें, अमेजोन भी है मेरे ख्याल है, अमेजोन भी है, FBM भी है, FBA के बंदे बहुत कम नजर आ रहे हैं मुझे, FBA का एक बंदा नजर आया मुझे ये होम डील्स के नाम से, एक आ रही है, आ रहा है एक बंदा है ये वाला, एक ये नजर आ रहा है, दो बंदे इसमें बैठे हुए, मगर इस प्रोडक्ट पे अमेजोन बैठा हुआ है, इस पे काम नहीं करना, ठीक है। अब एक और ऐप है हमारे पास जिसको आपने सबने इंस्टॉल करना है, उसका नाम है सेलर असिस्टेंट क्रोम एक्सटेंशन। ये क्या काम करती है, ये आपके सामने आ रही है, मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। इस ऐप का जो लिंक है मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। इस ये ऐप आपने ऐड टू क्रोम करनी है, ऐड कर देनी है और यहां से जाके पिन कर देना है इसको आपने, ठीक है। ये आप पिन कर देंगे, फिर आपसे साइन अप मांगेगा, गूगल से साइन अप कर लें, आपका अकाउंट ओके हो जाएगा, ठीक है। फ्री अकाउंट होता है, फ्री यूज कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, अब देखिए जरा गौर से, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खोलेंगे ना, या प्रोडक्ट के बाहर से जब भी खोलेंगे, देखिए नीचे क्या दिखा रही है, FBM के 9 बंदे हैं, FBA का एक बंदा है। इसका मतलब है कि आपको यहां से चेक नहीं करना पड़ेगा, मतलब एक से ज्यादा FBA है, बाकी FBM है, ठीक है। अब मैंने एक प्रोडक्ट और खोला हुआ, ये देखिए यहाँ पर 6 FBM के बंदे हैं, 2 FBA के बंदे हैं, तो ये आपको तमाम तरह मालूमात दे रहा होता है। आप कोई भी स्टोर खोलते हैं, किसी भी बंदे का स्टोर आप खोलते हैं, स्टोर फ्रंट खोलते हैं आप, वो आपको जैसे मैंने इसका स्टोर खोला, अब देखिए गौर से आप, मैं इसका स्टोर खोलता हूँ और इसकी जाता हूँ प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, सी और प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ मैं इसकी, इसकी 374 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब हर प्रोडक्ट के नीचे ना यहाँ पर ये देखिए, हर प्रोडक्ट के नीचे दिखा रहा है कि 3 FBA के बंदे इस प्रोडक्ट पर, 3 FBM के हैं, और एक ये आपको मदद फराहम करता है FBA FBM अमेजोन कितने बंदे बैठे हुए, तो आपको वैसे मैनुअली चेक नहीं करना पड़ेगा। अब यहीं से अब इसमें देख लें, 5 बंदे अमेजोन बैठा हुआ है, नजर आपको आ रहा है, इसमें भी अमेजोन बैठा, सब प्रोडक्ट्स पे। अब इस प्रोडक्ट पे अमेजोन नहीं है, इस पे FBA है, FBM है। इस तरीके से आपको आइडिया मिलता है कि हमें किस प्रोडक्ट पे काम करना है, किस पे नहीं काम करना, ठीक है। तो ये सेलर असिस्टेंट ऐप बड़े काम का टूल है ये वाला। अब कोई प्रोडक्ट भी मैंने खोला हुआ है ना, अभी मैंने इसको हाइड किया हुआ है, ये देखिए जब मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये मुझे तमाम चीजें BSR भी दिखा रहा है, आइसन भी दिखा रहा है, कैटेगरी दिखा रहा है, सब चीजें यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपको इस तरह प्रोवाइड करता है, मैंने इसको ऐसे किया हुआ है तो इसमें सिर्फ मुझे ये दिखाएगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास काम होता है, हमारे पास सारा का इस तरह हम काम चेक कर रहे होते हैं सारा, ठीक है। यहाँ सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, ये ऐप का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये ऐप लाजमी इंस्टॉल कीजिएगा क्रोम एक्सटेंशन, ताकि आपको फायदा हो सके। असाइनमेंट अब आपका क्या है, असाइनमेंट ये है कि आपने आपने ये करना है कि आपने 5 US के स्टोर निकालने हैं, 5 UK के, और 5 US की प्रोडक्ट्स, 5 UK की प्रोडक्ट्स, ठीक है। 5-5 आपने ये वाला काम करना है, ताकि आप प्रॉपर वे से प्रोडक्ट भी निकाल सके। ये सबसे अच्छा मेथड नाम है सेलर स्कैनिंग मेथड, सेलर स्पाइंग, सेलर स्कैनिंग एडवांस मेथड होता है हमारे पास ये, और ये सबसे अच्छा मेथड है प्रोडक्ट हंटिंग करने का। आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो इस मेथड पे आप काम करें तो कभी नाकाम नहीं होंगे आप। तो मैं इसी मेथड पे काम करता हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ इसी मेथड पे आप लोग काम करें, ठीक है। ऐप का लिंक मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आपको मिल जाए। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें, कोई सवाल है तो कर लो आप। कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन कर लें अपनी अपनी। अपने अपने सवालात आप लोग कर लें, क्वेश्चंस किया करें लाजमी। ये फाइल भी आपको मिल जाएगी, इसमें तमाम चीजें लिखी हुई है और वीडियो भी वैसे मिल जाती है आपको, और ये एक्सेस शीट भी आपको मिल जाएगी। तो असाइनमेंट आपने कोशिश करनी है, आज संडे है तो ट्यूजडे तक 2 दिन है आपके पास, आप 48 आवर्स हैं आपके पास, आराम से काम करें। असाइनमेंट मस्ट कंप्लीट करें, जिस स्टूडेंट के असाइनमेंट कंप्लीट होंगे वो ये कामयाब होगा, उसी को मौका मिलेगा आगे। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें,
करना, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। सर अगर किसी का चले ठीक है, आप वाइंड अप कर देंगे, सही। ओके सर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड क्लास में। अल्लाह हाफिज।